तो फ्रेंड्स, मेरा विकी फ्रीडियम मेरे में आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने भी एसएससी जीडी के लिए फिजिकल रिटर्न वगैरह दे के रखा है, दोस्तों अगर आपका भी मेडिकल होने वाला है कुछ ही दिनों के बाद, अगर आपके मेडिकल टेस्ट होने वाला है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो के थोड़ा 2 मिनट का वीडियो होगा, वीडियो को देख लेना दोस्तों। ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, बहुत सारी कैंडिडेट का अभी एसएमएस के थ्रू सीआरपीएफ से ये आ रहा है कि आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है, यानी कि जिस सेंटर पे आपका मेडिकल होने वाला है, वो एग्जामिनेशन सेंटर मेडिकल सेंटर आपका चेंज हो रहा है। क्योंकि दोस्तों, अभी 9 जनवरी को जो मेडिकल है वो हो चुका है, ठीक है। बहुत सारी कैंडिडेट का 9 जनवरी को मेडिकल हो चुका है उसका। तो दोस्तों, कई सारे सेंटर पर ऐसा है दोस्तों, बहुत सारे प्रेशर आ रहा है, वो मेडिकल ठीक तरह से नहीं कर पा रहा। इसी की थोड़ा दोस्तों, उसका जो ज़्यादा कैंडिडेट होने के वजह से उन लोगों को बहुत परेशानी हो रहा है। इसी की थोड़ा दोस्तों, कोई अदर सेंटर पे उन लोगों को भेजा जा रहा है। इसीलिए दोस्तों, उन लोगों की तरफ से कई सारे कैंडिडेट को एसएमएस आया है कि आपका जो मेडिकल का सेंटर है, वो आपका सेंटर वो चेंज हो चुका है। लेकिन दोस्तों, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो एसएमएस आ रहा है, ये आपका जो मेडिकल का सेंटर चेंज हो रहा है, ये जरूरी नहीं कि सभी कैंडिडेट के साथ ये हो रहा है, ठीक है। दोस्तों, कई सारी कैंडिडेट के साथ ही ऐसा हो रहा है, क्योंकि सभी सेंटर पे ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपका भी मेडिकल टेस्ट होने वाला है, मान लीजिए कल हो परसों हो, कभी भी आपका मेडिकल टेस्ट अगर आपका होने वाला है, तो दोस्तों एक काम कीजिए, आप जब भी मेडिकल टेस्ट में जाने वाले हो, तो जाने से एक दिन पहले आपका जो एडमिट कार्ड है, जो मेडिकल टेस्ट का जो एडमिट कार्ड है, उस एडमिट कार्ड को आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके आप लोगों को देखना है कि आप लोगों को किस सेंटर पे मेडिकल आपका होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, जो एसएमएस आया है, एसएमएस में ये आया है कि आपका जो मेडिकल टेस्ट का जो सेंटर है वो चेंज हो चुका है, आप न्यू एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए। इसी तरह से दोस्तों, एसएमएस के थ्रू बोला जा रहा है। इसीलिए दोस्तों, आप जब भी आपका मेडिकल टेस्ट है, आप जब भी जा रहे हो मेडिकल टेस्ट के लिए, अपना एडमिट कार्ड को फिर से एक बार डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करके देखना है। क्योंकि दोस्तों, बाद में आप परेशानी ना हो, इसीलिए दोस्तों एक बार देखने से आपका कुछ नहीं जाने वाला दोस्तों। तो मेडिकल टेस्ट एडमिट कार्ड जो डाउनलोड करने का लिंक है, इसी वीडियो के नीचे आप लोग को मिल जाएगा। उस लिंक को क्लिक करके आप लोग खुद एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। आई होप दोस्तों, आप सभी को एडमिट कार्ड डाउनलोड करना आता ही होगा। अगर नहीं आता है, तो मैंने उसका भी वीडियो बना के रखा हुआ है, अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लेना, और एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके एक बार जरूर देख लेना जाने से पहले, क्योंकि बाद में ऐसा परेशानी ना हो, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और साइड में एक बेल आइकन दिखेगा, उसमें प्रेस करके रखना, कि जब भी इसी टाइप की वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। इसीलिए बेल आइकन को प्रेस करके जरूर जाना, ठीक है। थैंक यू।